सहरसा में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। लोगों के पास शिकायत रखने का भी बहुत कम तरीका है। लहरिया सराय से झंझारपुर के रास्ते सहरसा जा रही लोकल डेमू ट्रेन को बाढ़ पीड़ितों ने रोक दिया। लोग गांव छोड़कर सड़क किनारे आ गए हैं। पहले पश्चिम चंपारण में बेतिया से उत्तर बगहा के पास गंडक का तटबंध टूटा। बेतिया में नेशनल हाईवे पर पानी चढ़ गया है। सीतामढ़ी में बेलसंड के पास बागमती का तटबंध टूटा। पहले से कोसी ने तूफानी खतरा पैदा कर दिया था। कोसी ने 56 साल के बाद ऐसा रौद्र रूप धारण किया है। 6 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया है। गंडक नदी भी बराबर परेशान करती है। गंडक नेपाल से निकलती है। गंडक में भी 21 साल के बाद 5.34 लाख क्यूसेक उसे पानी जमा हो गया है। इसमें भी भारी वर्षा के वजह से बिहार का सीमांचल इलाका बाढ़ के खतरे में है। इस समय विमर्श न्यूज़ खबरों को जमा करने के साथ साथ ये सवाल भी पूछना ज़रूरी समझता है। सवाल ये है कि बाढ़ के 2 या 3 महीना को छोड़कर 9 महीने तक इस पर क्या काम होता है। बिहार में नदी बेसिन के शोध और योजना बनाने के लिए संस्थान क्यों नहीं बनाए जाते। तटबंध और डैम के मसले को इस बीच राज्य और केंद्र सरकार तथा जानकार लोग मिलकर क्यों नहीं सुलझाते हैं। इस समय आप चिराग पासवान के बयान को ध्यान से देखिए, वो समस्या पर नहीं बोल रहे हैं। देखिए चिराग पासवान को। मुझे लगता है इसकी तमाम जानकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार भी कर रही है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी इसकी समीक्षा की है। आज मैं खुद मैं जा रहा हूँ। आज का रात का मेरा प्रवास कोसी के इलाके में ही होगा। इतना स्पष्ट है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जल्द से जल्द कैसे राहत ऐसी विपरीत परिस्थिति में। देखिए सिचुएशन ये एक अनयूजुअल है। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य में बाढ़ के हालात बने और वहाँ से जिस तरीके से पानी को छोड़ा गया है और एक बड़ी क्वांटिटी में छोड़ा गया है, तो ऐसे में परिस्थितियाँ चिंताजनक ज़रूर हैं। बट हाँ, ग्रामीणों को किसी तरीके की समस्या ना हो इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों तत्परता से मॉनिटर। वह और राज्य सरकार का ब्रीफ लेकर बोल रहे हैं और हम बार बार दिल्ली से पटना आने पर वह कुछ बोला करते हैं, इस बार बाढ़ पर बोल रहे हैं। जगतानंद ने कुछ ध्यान दिए बगैर राय बहादुर की भूमिका ले ली है। वह कह रहे हैं कि डैम बनाना ही होगा। सुनिए जगतानंद सिंह को। कोशी का, गंडक का, बागमती का और सारे का स्रोत हिमालयन रीजन नेपाल में है और जहाँ से पानी का स्रोत है वहीं पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आपको जरवार बनाना पड़ेगा। आज या कल बिहार को बाढ़ से बचना है तो डैम बनाना ही पड़ेगा। नीतीश सरकार ने बिना किसी सर्वेक्षण समझदारी के तटबंधों को मजबूत करने का काम किया। बागमती नदी पर कई जगह लोग ये कह रहे थे कि बीच में तटबंध नहीं है और नदी के उद्गम तथा अंत में तटबंध है, परंतु तटबंध बनने नहीं देंगे और इस तरह बिना मतलब की बेमेल योजना लोगों का विनाश ही कर रही है। अभी तक आई खबरों के अनुसार बीरपुर में कोसी बैराज पर भारी दबाव है, परंतु यह अभी टूटा नहीं है। जानते हैं कि सन 2008 में कोसी बैराज के टूटने से इधर के दशकों का सबसे भीषण बाढ़ आया था। नीतीश कुमार बाढ़ राहत पर जोर देते हैं और चुनाव के पहले एक मौका आता है कि प्रत्येक परिवार को सरकारी खजाने से राहत की अच्छी पैकेज दी जाए। ये मौका नहीं है, परंतु हमेशा याद किया जाना चाहिए कि 2008 के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे। तब मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू में 1,000 करोड़ रुपयों की सहायता दी थी। नीतीश कुमार ने केंद्र से 4,500 करोड़ रुपया इसलिए मांगा था कि 3 लाख घरों को फिर से बनाने के लिए प्रत्येक को उनके हाथ में 1.5 लाख रुपया देंगे, पर कई विभागों के प्रमुखों को मिला करके कृषि निर्माण के प्रस्ताव लिए गए
परंतु कुशी में फिर से आर्थिक वातावरण नहीं बन सका और कोसी के पहले बिहार से मौसमी मजदूरी के लिए पलायन की संख्या पर जो भी कोशिश हो रही थी, इसके बाद वह सब खत्म हो गई।